गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज संतोष कुमार और आज मैं आपको एक हाउसकीपिंग का टॉपिक बताऊंगा। नॉर्मली इसको बोलते हैं क्लीनिंग के बारे में बताऊंगा और वो भी मैं ग्लास क्लीनिंग बताऊंगा नहीं करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बढ़िया प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, कर सकते हैं आप इजीली घर में। नॉर्मली जो डोमेस्टिक वर्कर जो नॉर्मली प्राइवेट घरों पर जो वॉक करते हैं, जैसे लेडीज करती हैं, जेंट्स करते हैं, तो उनको ये प्रोसीजर पता नहीं होता। जो होटल्स वगैरह में करते हैं इसको, पर तो उनको पता नहीं होता, तो उनको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, थोड़ा तो बढ़िया से उसको कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है और कुछ PPE किट जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है जो अपनी सेफ्टी के लिए पहना जाता है, क्योंकि ये सब अगर भी हम शीशा साफ करेंगे उसमें केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा कुछ सेफ्टी के लिए अपना पहनेंगे वो सब भी हमें जो कुछ है मेरे पास हाउस में। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमें उसके लिए क्या क्या एक ग्लास क्लीन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ग्लास क्लीनर की जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मली ये सिंज कंपनी का है, तो ये ब्रांड है, ऐसे आप मार्केट में जाओगे तो कॉलिंग मिल जाएगा या दूसरा बहुत सारा ब्रांडेड ग्लास क्लीनर है तो मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो नॉर्मली इसको आप घर में भी एक लिक्विड बना सकते हैं, तो उसके लिए दो तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। घर में डिटर्जेंट होती है, डिटर्जेंट, उसके अलावा विनेगर होगा, तो विनेगर और वाटर का सॉल्यूशन बना के आप ग्लास क्लीनर बना सकते हैं, जिसको नॉर्मली अगर होटल्स के रूल्स देखा जाए तो उसको एक रूल किया गया R3 बोला जाता है। ठीक है, उसके लिए कॉटन का कपड़ा चाहिए हमें। नॉर्मली कॉटन आपके घर में कोई भी कॉटन कपड़ा हो जाएगा, उसको बढ़िया से धो के साफ करके रख सकते हैं, उससे ग्लास क्लीनिंग बढ़िया हो जाएगा। उसके अलावा ग्लास को पॉलिश करने के लिए हम न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ती है, तो न्यूज़पेपर हम यहाँ यूज कर लेंगे। और हम सेफ्टी के लिए जैसा मैंने बताया उसके लिए नॉर्मली पहले हम मास्क यूज करेंगे, क्योंकि मास्क हम केमिकल यूज करेंगे तो हमारे डायरेक्ट फेस पे आएगा तो हार्मफुल हो सकता है। उसके अलावा हमें ग्लव्स पहनना चाहिए, मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैं अभी बिना ग्लव्स का करूँगा, लेकिन तुरंत मैं हाथ बढ़िया से हैंड वॉश कर लूँगा। तो इसके लिए जब भी मान लीजिए कोई घर में दिक्कत है, उस समय ग्लव्स नहीं है, तो आप पॉलिथीन वगैरह भी पहन के कर सकते हैं। अभी एक्चुअली मेरे पास पॉलिथीन नहीं है इसलिए उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो मास्क लगाएंगे, हैंड ग्लव्स जैसा मैंने बताया अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो मैं ऐसे करूँगा तुरंत मैं हैंड वॉश करूँगा बढ़िया से। उसके अलावा आप कैप वगैरह भी है तो पहन सकते हैं, तो ज़्यादा इसमें PPE किट की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि यूजी काम है थोड़ा केमिकल यूज है इसलिए मास्क वगैरह यूज करेंगे। चलिए हम साफ करते हैं, पहले मास्क लगाते हैं और ये फिर सामने वाला हम शीशा क्लीन करेंगे आपके सामने। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसका ऊपर जो डस्ट जो नॉर्मली जो बाहर से मिट्टी आ जाता है वो जमा होता है, तो इसके पहले केमिकल छिड़कने से पहले हम इसको साफ कर लेंगे बढ़िया से। हो गया, देखिए कितना धूल मिल रही है। ठीक है, हम कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है तो इसी को हम फोन कर दूसरा बना लेते हैं, दूसरे साइड में क्लीन बना के। ठीक है, तो इसको हम अभी केमिकल इसको छिड़का देते हैं। केमिकल छिड़क दिया मैंने, अब हम ये कपड़ा लेंगे और धीरे हाथों से इसको चारों तरफ मिला लेंगे। ठीक है, ठीक है, मिक्स हो गया, मिक्स हो गया पूरा। अब सिंपल जितना भी हम छोड़ेंगे नहीं, सूख जाएगा तो फिर से क्लीन नहीं होगा। तो नॉर्मली हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, और नॉर्मली अभी गीला है तो यहाँ रखेंगे और इसको गोल गोल घुमाएंगे।
देखिए शीशा हाफ सही, देखिए शीशा भी एकदम क्लीन हो गया, दूसरे साइड में गंदा है, तो हम इस साइड से भी दिखा देते हैं। पहले मैंने डस्ट निकाल लिया, केमिकल छिड़ा हुआ है, इसको हम मिला देंगे। देखिए एकदम शीशा चमचम कर रहा है, एकदम क्लीन दिख रहा है, कहीं भी स्पॉट वगैरह नहीं दिख रहा है। ये प्रोसीजर है क्लीन करने का, हम तुरंत हैंड वॉश कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने अब हैंड वॉश कर लिया, बढ़िया से मास्क निकाल के रख दिया। ठीक है, अब जो भी गंदगी वाला सामान है उसको मैं यहाँ रखिए, डस्टबिन है, कागज़ है तो डस्टबिन में डाल दिया हमने। इसको धोने के लिए धोने वाले जगह पे जहाँ पे होगा आपको वहाँ डाल दीजिए, वहाँ पे तो अभी यहाँ डस्टबिन दूसरा है नहीं, मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, ऐसे हम अलग रख देंगे, इसको धुलने में चला जाएगा। ये जो सामान है जहाँ पे रखा जाता है इसको क्लोज करके यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम ग्लास क्लीन कर सकते हैं, तो बढ़िया से क्लीन कर सकते हैं, ज़्यादा वो नहीं है, और नॉर्मली सब कुछ बढ़िया है। बहुत आपको समझ में आया होगा इजीली और बढ़िया लगा होगा। और कुछ भी मैं अभी छुआ मैंने कहीं पर उसके हैं, धन्यवाद।